हमारे सब्सक्राइबर ने ये पूछा है कि कैन वी वेयर जेमस्टोन्स ऑन द लेफ्ट हैंड, क्या हम जेमस्टोन्स को बाएं हाथ में पहन सकते हैं क्या? इसका उत्तर हाँ और ना में है। हाँ उसके लिए है कि यदि आप पन्ना पहने एमराल्ड पहने हुए हैं तो उसको लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर में पहनिए। बाकी सभी जेमस्टोन्स यदि आप उसका उपयोग कर रहे हैं ग्रहों को शक्ति को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए, तब उसको दाहिने हाथ में पहने। ये आपका है यांग एनर्जी, ये आपका है यिन एनर्जी, ये आपका सूर्य शक्ति, ये है चंद्रमा। ये बढ़ाने के लिए, ये कमाने के लिए, कम करने के लिए। ये एक्सीलरेटर है, ये ब्रेक है। ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है। यदि आपके चार्ट में शनि अच्छे नहीं है, अच्छा फल नहीं दे रहा है, आपके पास नीलम है, आप पहनना चाहते हैं, मैं तो आपको मना करूंगा मत पहनिएगा। मैं कहूंगा 17 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं सर, बहुत पैसा खर्चा किया हुआ है और 17 मुखी अभी मैं फिलहाल नहीं खरीद सकता हूं क्योंकि महंगा है, तो क्या नीलम को धारण कर सकता हूं? तो मैं कहूंगा हाँ, उसको आप लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में पहन लीजिए। राइट हैंड में पहने हुए उतार दीजिए उसको और लेफ्ट हैंड में पहन लीजिए। शनि की जो नेगेटिविटी है उसको ये कम करने में मदद करेगा आपको। तो यदि आपके चार्ट पे ग्रह अच्छे नहीं है, उसको पावर को आप कम करना चाहते हैं, तो उसका उपाय क्या होगा? यदि आपके पास में ऑलरेडी जेमस्टोन खरीदा हुआ है तो उसको दाहिने से उतारकर लेफ्ट हैंड में पहन लीजिएगा। यदि आपने खरीदा हुआ नहीं है, आपके पास नहीं है, तो मैं सलाह दूंगा कि नया खरीद के लेफ्ट हैंड में पहनने के बजाय आप वो ग्रह के संबंधित रुद्राक्ष पहनिए। यदि आपके चार्ट में बुध ग्रह अच्छे नहीं है तो पन्ना मत खरीदिए। यदि पन्ना ऑलरेडी है, मैं कहता हूं कि उसको तेज करने के लिए एक्सेप्शन है, पन्ना एक ही स्टोन है जो कहता है लेफ्ट हैंड में स्मॉल फिंगर में पहनिए। यदि उसको पावर को कम करना चाहते हैं तो राइट हैंड में स्मॉल फिंगर में पहनिए। ये खाली पन्ना का नियम है, बाकी सबके लिए अलग नियम है। बाकी सभी रत्नों के लिए बताया मैंने, बढ़ाने के लिए राइट हैंड, रिड्यूस करने के लिए लेफ्ट हैंड। पन्ना के लिए बढ़ाने के लिए लेफ्ट हैंड और इंक्रीज करने के लिए राइट हैंड, तो पन्ना एक्सेप्शन हो गया, बाकी सभी ग्रहों के लिए बताया मैंने। तो यदि पन्ना ठीक नहीं है तो आप नया पन्ना खरीद के लेफ्ट हैंड में मत, राइट हैंड में मत पहनिए। या शनि की बात कर रहा था तो नीलम खरीद के उसको आप लेफ्ट हैंड में मत पहनिए। ऑलरेडी है तो पहनिए कम करने के लिए। यदि नया खरीदने के मना करता हूं, आप उसकी जगह में आप रुद्राक्ष पहनिए। जैसे आपको बताया मैंने कि बुध ग्रह ठीक नहीं है तो आप 15 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, शनि ठीक नहीं है 17 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। यदि आपके चार्ट में मंगल ठीक नहीं है तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, राहु ठीक नहीं है तो आप 9 मुखी पहनिए। इस प्रकार से हमारे वीडियो बने हुए अलग अलग ग्रहों के बारे में आपको देखिएगा। तो यदि सवाल था कि कैन वी वेयर जेमस्टोन्स ऑन द लेफ्ट हैंड, क्या हम रत्नों को बाएं हाथ में पहन सकते हैं क्या, मैंने बताया कि एक्सेप्शंस हैं जो कि पन्ना के बारे में बताया और बाकी सभी के बारे में बताया कि पावर को कम करने के लिए उसको आप बाएं हाथ में पहने। तो ऐसे कोई सवाल आपके मन में है तो आप सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाएंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख के भेजिएगा, मैं उसका उत्तर बनाकर वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।